नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 25 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोगों को, जितने भी लोग देखते हैं उस पर कम से कम कुछ लोग कमेंट करते हैं, मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये देख करके। तो ऐसे ही बाकी लोग भी करने का प्रयास करें, आंसर दीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आंसर जब देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में C295 यानी कि C295 सैन्य परिवहन विमान बनाया जाएगा। तो किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शंस आप देख रहे, देखिए जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करूं तो साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चला करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है गुजरात में। ठीक है, तो आइए बात करते, देखिए ये जो अगले साल यानी कि नवंबर 2024 तक गुजरात के वडोदरा में एक पूरी तरीके से चालू कारखाने की स्थापना के साथ ही भारत के एरोस्पेस उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है। तो वहां पे एक कारखाना स्थापित किया जाएगा जहां पे एरोस्पेस से संबंधित जो है चीजें बनाई जाएगी, यानी कि हवाई, ये जो है हेलीकॉप्टर या विमान वगैरह बनाए जाएंगे जो कि सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से एरोस्पेस उद्योग में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा इस कारखाने के चालू होने से, जो कि अगले साल यानी कि नवंबर 2024 में शुरू होगा। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के बड़ोदरा में। यह कारखाना पहले जो भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान जिसका नाम है C295 के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये पहला जो है भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान है, ध्यान रखिएगा C295 जो है ये पहला भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान है जिसका उत्पादन इस कारखाने में किया जाएगा। और ये जो एक महत्वपूर्ण, जो एक देखा जाए महत्वाकांक्षी जो है प्रोग्राम चलाया जाता है, गवर्नमेंट का परियोजना है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। ये एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत, मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। तो निजी क्षेत्र में भी जो भारत की विनिर्माण क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए, और जो हम बहुत ज़्यादा एरोस्पेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, उस निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। ध्यान रखिएगा इसको 25 सितंबर को, ठीक है, 2014 को इसको शुरू किया गया था, 2014 ध्यान रखिएगा, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम के तहत बेसिकली देखा जाए जो भी चीजें हैं उनका मेक इन इंडिया होना चाहिए, मतलब अपने देश में उसका निर्माण होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या उद्देश्य था? भारत में रोजगार का सृजन करना, इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें इसके बारे में तो ये देखा जाए, ये जो टाटा एडवांस सिस्टम और भारत सरकार के बीच एक औद्योगिक सहयोग दे, ठीक है, सहयोग देश के भीतर शेष 40 विमानों के निर्माण और संयोजन की देखरेख करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में जो एक कारखाना खोला जा रहा है वहीं पे पहले भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन C295 का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी योजनाओं, परियोजनाओं के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, जैसे कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और गुजरात सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ जो किया गया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और गुजरात सरकार के सहयोग से। वही हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने गंबूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। ओप्पो इंडिया ने केरल में पहला पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है वो ओप्पो इंडिया ने किया है, किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से, ठीक है। और यहीं पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, जिससे गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा देने के लिए या फिर प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ठीक है, ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
ये कुछ अन्य राज्यों से भी संबंधित करंट अफेयर था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ठीक है, तो 2070 तक एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए, यानी कि शून्य कार्बन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस राज्य ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है झारखंड। ठीक है, जैसा कि अगर हम झारखंड के बारे में देखें दोस्तों, तो झारखंड जो है अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर झारखंड का हम अपने भारत में या फिर अपने देश में महत्वपूर्ण योगदान में देखें, तो इसने औद्योगिक विकास में झारखंड ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए झारखंड को जाना जाता है। अब देखा जाए, झारखंड ने एक लक्ष्य रखा है स्थिरता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में। ठीक है, अपने आप को एक बदलाव लाने के लिए तैयार कर रहा है झारखंड। ठीक है, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहा है, इसके लिए जो है तैयारी कर रहा है झारखंड। और इसी में जो राज्य के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है, उसने भी देखा जाए एक व्यापक ठीक है विजन दस्तावेज जारी किया है। और इसी विजन दस्तावेज का उद्देश्य क्या है देखा जाए तो 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, और इसी 2070 तक जो शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया गया है, किसके द्वारा? झारखंड के जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है। इस दस्तावेज में ठीक है 8 विषयगत क्षेत्रों की रूपरेखा की गई। ध्यान रखिएगा, 8 विषयगत क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है जो 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, जिससे कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था उसके साथ जो है शुद्ध शून्य कार्बन को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके 2070 तक। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसमें इस दस्तावेज में कितने क्षेत्र शामिल है दोस्तों? तो 8 विषयगत क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे झारखंड से संबंधित एक और भी करंट अफेयर है कि निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा। चूंकि बात करें झारखंड, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम झारखंड की दोस्तों बात करें तो झारखंड का गठन देखिए हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड किससे अलग हुआ था दोस्तों? तो बिहार से अलग होकर के झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी रांची है। देखिए आप यहाँ पे झारखंड देख सकते हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से अवरुद्ध देश है, यानी कि इसका किसी भी तरह से ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई सामुद्रिक सीमा है। और इसकी सीमा जो लगती है, देखिए किससे किससे लगती है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली बात देखते हैं उड़ीसा से है, वेस्ट बंगाल से है, बिहार से अलग ही हुआ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा करता है। इसके जो राज्यपाल हैं झारखंड के, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधा कृष्ण हैं। हेमंत सोरेन जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 6 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। वही विधानमंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि मात्र विधानसभा है, जिसमें 82 सीटें हैं। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, सिंहभूम हाथी अभयारण्य है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा से और साथ ही साथ हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से जो मध्य प्रदेश सरकार है वहाँ के सरकार ने देखा जाए तो सीएम राइस स्कूल नामक एक शैक्षिक पहल शुरू किया है। ठीक है, शैक्षिक पहल, ध्यान रखिएगा, सीएम राइस स्कूल से ही पता चल जा रहा है कि ये एक शैक्षिक पहल है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, और इस जो है ये जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है, इसकी जो घोषणा की गई है वहाँ के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिन्होंने अभी हाल ही में शाजापुर जिले का दौरा किया था। इसी जिले के दौरान जो है दौरे के दौरान इन्होंने ये
घोषणा किया है। पहल जो है, इस पहल का लक्ष्य क्या है, सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है और देश भर में 9000 सीएम राइस स्कूल जो है स्थापित करना इसका लक्ष्य है। अभियान का उद्देश्य क्या है, पूरे राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना और ना सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना बल्कि इनरोलमेंट में यानी कि स्कूल में जो नामांकन है उसको भी उसमें भी वृद्धि करना, उस वृद्धि को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अभियान को क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित करके सरकार यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है कि हर बच्चे को शिक्षा तक पहुँच हो। तो हर बच्चे को शिक्षा तक पहुँच के लिए सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और ये पहल का नाम क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस पहल की शुरुआत की उसका नाम है यहाँ पे सीएम राइस स्कूल। चलिए आप मुझे बताइए कि हमारे संविधान के किस किस भाग में, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के बारे में बात की गई किस भाग में, ठीक है, और किस अनुच्छेद में, और राइट टू एजुकेशन जो है वो किस अनुच्छेद में है। देखिए डीपीएसपी में भी बात किया गया है, डीपीएसपी में भी बात किया गया, आप मुझे बताइए किस अनुच्छेद में बात किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसके बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में भी शिक्षा के संबंधित बात किया गया है, तो सबके अनुच्छेद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ों की, जैसे कि देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने यूविन प्लेटफॉर्म, तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और यूविन प्लेटफॉर्म क्या है, जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है किससे, पंजाब सरकार ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना दोस्तों कौन, मध्य प्रदेश। वहीं मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो शुरू की गई है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की गई है किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से संबंधित और साथ ही साथ कुछ अन्य और मंत्रालय से भी संबंधित हम लोगों ने करंट अफेयर को देखा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्हीं सब नोट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे पिछले दिनों का जो करंट अफेयर होता है उसको रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कहने को होता है 10 MCQ, लेकिन देखा जाए तो हम एक ही छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पर रिविजन भी करते हैं और नई चीज़ों को देखते भी, ठीक है। यहाँ पे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, माफ करिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, किस राज्य में दोस्तों, तो ये किया गया है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के में भी कहा तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है, त्रिपुरा, वहां पे जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत CGST CX और सीमा शुल्क कार्यालय अगरतला गुवाहाटी क्षेत्र के लिए एक परियोजना है, गुवाहाटी के लिए भी है। यह परियोजना मंत्री बारी रोड अगरतला के में स्थित है और इसके सभी करदाताओं तक त्वरित और आसान पहुंच है, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अमृत काल में परियोजना का उद्घाटन नए भारत की ताकत को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहां पे भी हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा अगरतला में। आइए जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत में ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है, और जीएसटी का मॉडल हमने कहां से लिया था, तो कनाडा से लिया गया था। अगर बात करें जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो असम था, और ध्यान रखिएगा जीएसटी को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो तेलंगाना था। ध्यान रखिएगा जीएसटी बिल जो पारित कर रहा है वो असम है, और जीएसटी को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो तेलंगाना है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था, और इस जीएसटी प्रारूप के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है असीम दास गुप्ता था। कि जीएसटी के बारे में, जीएसटी का गठन हमारे किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी में देखा जाए एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ठीक है, इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन सा जीएसटी पारित किया गया था, किस संशोधन के तहत, तो 122वें संशोधन के तहत, और ये अधिनियम बना किसके तहत, तो 101वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये अधिनियम बना।
जीएसटी परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। और जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कितने देशों में जीएसटी अपनाया गया है? जीएसटी ने अपनाया है, कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया? तो 160 देशों ने। और कौन पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था? विश्व का प्रथम देश जो जीएसटी को लागू किया था वो था फ्रांस था। देखा जाए भारत में तीन प्रकार की जीएसटी है, जो जीएसटी तीन भागों में बटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। यानी कि सी यानी कि सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूरी संभावना यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि न्यायमूर्ति आलोक अर्धे किस राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये बनेंगे दोस्तों तेलंगाना के। ठीक है, तो न्यायमूर्ति तेलंगाना में न्यायमूर्ति आलोक अर्धे को हैदराबाद के राजभवन में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पे जो तेलंगाना की जो है राज्यपाल जिनका नाम है तमिलसाई सुंदर राजन, उनके द्वारा जो है इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के नए मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं कौन दोस्तों? आलोक अर्धे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो जो नियुक्ति की गई है वो मुख्य न्यायाधीश के ने यहाँ पे राष्ट्रपति ने किया है। तो राष्ट्रपति ने देश के जो मुख्य न्यायाधीश है, कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आप मुझे बताइए। तो उनसे जो है विचार विमर्श करने के बाद जो है न्यायमूर्ति अर्धे को तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किससे? विचार विमर्श करने के बाद भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के बाद शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल। चलिए अब आप इसी के साथ ही स्टैटिक पोर्शन पढ़ लीजिए, अपनी पॉलिटी की बुक खोलिए, अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिए, जज के बारे में पढ़ लीजिए कि किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कैसे होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस भारतीय 7 वर्षीय बच्ची को ब्रिटेन में पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है? तो ये 7 वर्षीय बच्ची है, ठीक है, जिसको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है मोच्छा राय को। ठीक है, मोच्छा राय का नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है। तो ये भारतीय मूल की 7 वर्षीय है, ठीक है, बच्ची है जिनका नाम है मोच्छा राय, और इनको ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्यों दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध जो है ये संयुक्त राष्ट्र की संपोषणीय पहल के लिए काम कर रही है मात्र 3 वर्ष की आयु से। तो ये भारतीय मूल के हैं मोच्छा राय, और ये 3 वर्ष की आयु से ही देखा जाए ये एक माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण है उसके विरुद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, संपोषणीय पहल, उसके लिए ये काम कर रही हैं। और जुलाई के 3रे सप्ताह में जो है ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री जो है जिनका नाम है ओलिवर डाउडेन, वो जो है उनके द्वारा यह पुरस्कार मोच्छा राय को प्रदान किया जाएगा। मोच्छा राय को दुनिया की सबसे छोटी संपोषणीय पैरोकार के रूप में यह खिताब दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको चूंकि एनवायरमेंट से संबंधित पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसको स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो मेगा वृक्षारोपण अभियान जो शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर इज डी। तो ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर के साथ साथ आपके, ठीक है, यूपी स्पेशल भी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? तो प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत, जिसमें से इसी जुलाई 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, 35 करोड़ में 30 करोड़ पौधे जो है लगाए जा चुके हैं 22 जुलाई को। और विषय क्या है इस वृक्षारोपण अभियान का? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ठीक है, अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की, इस पहल की जो शुरुआत किया है वो बिजनौर के बिट्टूर कुटी आश्रम से वृद्धा, ठीक है, माफ करिएगा, पौधारोपण पर अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का हिस्सा बनी जो है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो मथुरा में जो है इस पहल के हिस्सा लिया उन्होंने। और इस पहल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इस अभियान को, इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में 30 करोड़ पौधे जो लगाए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में लगाया जाएगा, ठीक है, 15 अगस्त तक 35 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है,
इस वृक्षारोपण अभियान के लिए विभिन्न मंत्रालयों को भी लक्ष्य दिया गया है कि हर मंत्रालय को कुछ न कुछ लक्ष्य दिया गया है ताकि वो पौधे लगाएं। अगर हम देखें यहाँ पे पिछले वर्ष भी यानी कि 2022 में भी 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इस साल भी इतने ही लक्ष्य रखा गया है 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का। ठीक है, और विषय क्या है दोस्तों, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और भी अभियान के बारे में बात कर लेते हैं या फिर करंट अफेयर, यानी कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना कौन दोस्तों, उत्तर प्रदेश। वहीं राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, क्या यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग किसके लिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज है किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापना हुई है। तो ये देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है जिसकी स्थापना गुजरात में हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा देश की पहली है। तो यहाँ पे गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट ठीक है नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी, जो गुजरात में जो मेहसाणा है, ठीक है मेहसाणा, वहां उसी के पास इसकी स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना के लिए गांधीनगर में वन वेव और राज्य सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ठीक है, ये जो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है वो गुजरात में कहां, मेहसाणा के पास में। वन वेव कंपनी को दो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित कर रही है और इनमें से एक गुजरात के मेहसाणा जिले में ठीक है होगी। यह सैटेलाइट नेटवर्क देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाणा जिले के जोताना तालुक से शुरू हो जा रही है। और ये क्या है, किस उद्देश्य से, इससे क्या फायदा होगा, क्या है, तो ये सैटेलाइट के बाद देखा जाए तो जो सरकार है, व्यवसाय है, उपभोक्ता है, स्कूल है, उनको अधिक जो है उच्च गति से कम विलंबता में और सस्ती कनेक्टिविटी प्राप्त हो सकेगी, प्रदान होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ दोस्तों, के गुजरात में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लीसा फ्रेचिटी, ठीक है लीसा फ्रेचिटी किस देश की नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी। ठीक है, लीसा फ्रेचिटी, और ये बनी है दोस्तों अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिकी एडमिरल लीसा फ्रेचिटी को नौसेना का संचालन प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। ठीक है, अमेरिकी एडमिरल है लीसा फ्रेचिटी, और इनको जो नौसेना संचालन का प्रमुख और चीफ ज्वाइंट यहाँ पे ज्वाइंट चीफ स्टाफ बनाया गया है। और ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस पद पर कोई महिला जो है वो चीफ बनी है, यानी कि इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, अमेरिका की नौसेना के इतिहास में। और जो है इसी के साथ साथ वहाँ के जो राष्ट्रपति, उन्होंने ये विश्वास मतलब व्यक्त किया है कि एडमिरल जो लीसा जो है वो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा जो एडमिरल लीसा ठीक है लीसा फ्रेंसिटी है, ये फर्स्ट वुमेन है जो लीड कर रही है US नेवी को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट हमारा MCQ है कि निम्न में से किस शहर में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो किस शहर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां हेलीकॉप्टर ठीक है ध्यान रखिएगा हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 जुलाई यानी कि आज ही इसका आयोजन होगा। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पे, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सम्मेलन का उद्घाटन जो किया जाएगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश में चुकी हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है, उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है जिससे कि प्रभावी निर्णय लिया जा सके जो भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा देगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है दोस्तों, तो इसका विषय देखिए क्या है, अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक है, ये इसका विषय है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज इसका आयोजन हो रहा है।
यहाँ पे खजुराहो मंदिर के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर को किस मंदिर शैली से बनाया गया? तो पंचायतन शैली से इसको निर्मित किया गया है। और ये किस राजवंश के शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था? तो चंदेल राज जो है राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। और इस साल जो 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था, वो भी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। खजुराहो मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 MCQ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि इंटरनेशनल मायमोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? एस विंसेंट राजकुमार। हाल ही में वोनशोंग 18 अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें जो है संस्करण की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य? गुजरात करेगा। वहीं भारत में धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए AI संचालित असिस्टेंट लॉन्च किया है किसने? ट्रू कॉलर ने, ठीक है। और बीमा के लिए विश्व का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है किसने? सिंप्लीफाई ने किया है, ठीक है। बीमा के लिए विश्व का पहला ये जेनरेटिव AI टूल है, सिंप्लीफाई ने किया है। तो ये था आज का हमारा 10 ये फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके। तो हमारा सबसे पहला जो टॉप 10 स्टैटिक्स जीके, उससे पहला प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। हीन यान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चालकृत चैत्य गृह है दोस्तों कहाँ पे है? कार्ले में। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? मेरठ में है। गौपत ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? अथर्ववेद से। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है किसे दोस्तों? संसद को। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ, फैक्ट्स ऑफ द डे और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी देखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का करंट अफेयर। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और भी लोगों तक जो है वीडियो के लिंक को शेयर किया करिए काफ़ी। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जो भी आपको कैसा लग रहा है वीडियो, उसके बारे में आप अपनी ओपिनियन बताइए जिससे कि कुछ और भी इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में। उसके पहले बताना चाहूँगी कि डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।